हाय फ्रेंड्स, एक अपनी स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे फार्मा के बारे में। डमी किस तरीका से बनाया जाता है, यानी कि कागज का जो डमी होता है उसको किस तरीका से बना सकते हैं, यानी कि 1/8 साइज का, 1/4 साइज का, है ना, बेब का। तो ये दोनों तीनों है जो कि हम एक ही वीडियो में जो कि आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। किस तरीका से अरेंज किया जाता है, यानी कि कैसे है जो कि फोल्ड किया जाता है, कैसे नंबर दिया जाता है, ये सब है जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और इसमें जो कि हम आपको बताएंगे कि जैसे सेंटर है तो क्या करना, साइड स्टॉक क्या करना है, तो ये सब पर जो कि ऑलरेडी डिटेल में जो कि वीडियो बना हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं देखें तो आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर जो कि आपको एक ही वीडियो में जो कि तीनों चारों अरेंजिंग हम आपको यहाँ बता देंगे कि किस तरीका से जो कि इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि सेंटर, साइड, है ना, A4 में, 1/8 में, 1/16 का साइज, ओके, तो किस तरीके से होता है, बेब अरेंजिंग किस तरीके से होता है, ये सब जो कि एक ही वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ आपको यहाँ पे जो कि डमी को सिर्फ मोड़ करके दिखाएंगे, यहाँ पे हम नंबर नहीं देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ जो कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो कि आप इसको मोड़ सकते हैं, वहाँ पे नंबर दे सकते हैं। ये जो कि आपको हमेशा काम आएगा, तो अगर आप इसको ध्यान से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा ये काम में आएगा। और अपना फर्मा डमी बनाते समय इसका इस बात पर जो कि आप ध्यान में रखिए, और उसके बाद अगर आप बनाते हैं तो आपका कभी बुक जो कि गलत नहीं होगा, ओके। तो उसके लिए जो कि इसको हम लोग चलते हैं, आपको यहाँ पे मोड़ करके दिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि एक A4 का पेपर लिए हुए, इसको जो कि हम लोग चार भाग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेकर के आप इसको बना सकते हैं। तो पहले तो कि हम लोग इसको पेपर को पहले यहाँ पे चार भाग कर लेते हैं, उसके बाद जो कि हम लोग इसको मोड़ेंगे कि किस तरीके से कब कहाँ पर कैसे मोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पर जो कि ये चार पेपर हम लोग यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो पहले हम लोग A4 के बारे में बात करते हैं। देखिए 1/4 है, तो 1/4 का आप क्या करना है कि 1/4 का हो तो उसको क्या करना है, इस तरीके से आपको पेपर ले लेना, इसको यहाँ से हम लोग फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने का सबसे पहला प्रक्रिया है, एक यहाँ से लेना है, ओके, और इसे यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है, दूसरा यहाँ से ऐसे करना। अब यहाँ पे है जो कि देख सकते हैं कि ये A4 का है, A4 का है, तो ये हो गया हिंदी के लिए। अगर हिंदी का 1/4 का बुक रहेगा तो उसको आप इधर से है जो कि नंबर दे सकते हैं, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यही पे अगर ये हिंदी के जगह पे उर्दू का बुक रहेगा A4 का, तो हम लोग इधर से जो कि एक नंबर देंगे, ठीक है। उर्दू का रहेगा तो ये इधर से नंबर पड़ेगा, और हिंदी का रहेगा तो इधर से नंबर पड़ेगा, ठीक है, A4 में। यही पे अगर ये सेंटर स्टिच रहेगा तो यहाँ पे जो कि और फार्मा मोड़ आएगा बीच में जो कि चल जाता है, साइड स्टिच रहेगा तो ये यहाँ पे रखाते हुए चल जाता है, और यहाँ से जो कि बुल बाइंडिंग हो जाता है। तो ये इस तरीके से होता है, हिंदी हो या उर्दू हो, सेंटर रहेगा तो बीच में जाएगा, साइड रहेगा तो आपको इधर से, अगर उर्दू का रहेगा तो इधर से रखाएगा, हिंदी का रहेगा तो इधर से रखाएगा, ठीक है। ये हिंदी का इधर से और उर्दू का इधर से नंबर पड़ेगा, ओके, A4 कन्फर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं 1/8 में। तो यहाँ पे जो कि 1/8 साइज का बुक है, तो यहाँ पे जो कि हम लोग इसको ले लेते हैं, यहाँ पे फोल्ड करेंगे, 1/8 का बुक के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग को डोमिनेंट मशीन पे अगर छपेगा तो वो जो कि सीट बोला जाता है, ठीक है, और मशीन पे जाएगा जो बड़ा बड़ा मशीन पे जाता है तो वो रूलर में जाता है। तो रूलर में अगर साइड स्टिच रहा तब तो ठीक है, सेंटर स्टिच रहा तब गड़बड़ होता है, तो उस हिसाब से भी आपको वहाँ पर भी देखना, यहाँ पे सीट के हिसाब से जो कि अरेंज करेंगे, ठीक है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, दूसरा बार में ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अब तीसरा बार में ये यहाँ पे हो गया, ये 1/8 साइज हो गया, 1/8, 1/8 साइज, एक नंबर का इधर से पड़ेगा, ओके। और यहीं पे 1/8 साइज में अगर उर्दू रहे, ये हिंदी हो गया, ठीक है, ये हिंदी, ठीक है, यहीं पे अगर ये उर्दू रहे तो ये बुक को है जो कि इधर से अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये डमी जो है, ये डमी इधर से मोड़ा जाएगा, ये उर्दू, ठीक है, एक नंबर इधर से हो गया, ठीक है, समझ गए, उर्दू इधर से और हिंदी रहेगा तो इधर से 1/8 साइज का। अब यहीं पे 1/8 साइज का ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर ये तो सीट हो गया, सीट अरेंजिंग 1/8 साइज का, इसी में अगर बेब का अरेंजिंग रहेगा तो बेब अरेंजिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे मुड़ाएगा, ये ऐसे मुड़ाएगा, अब यहाँ से जो कि ये ऐसे हो जाएगा, देखिए, यानी कि बेब में क्या होता है कि बेब में ये जो बंद मुँह जो होता है ना, बंद मुँह की तरफ से एक नंबर, यानी कि एक नंबर यहाँ से हो जाएगा बेब में, ओके, बेब अरेंजिंग में 1/8 साइज का रहेगा तो ये इस तरीका से हो जाएगा, यानी कि 1/16 का साइज रहेगा तो, ठीक है, चार फ्रंट चार बैक होता है ना, तो इस तरीका से होता है। तो आप बेब पर भी जा सकते हैं, आप इसमें भी जा सकते हैं, अगर 16 रहे उसमें भी आप उसी तरीका से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या 1/8 साइज है, ठीक है, ये हो गया क्या,
यहाँ पे आपको वेव अरेंजिंग हो गया, तो बंद मुकुट के तरफ से। अब वेव अरेंजिंग में अगर उर्दू रहता तो क्या रहेगा, ये तरफ से, ठीक है। बंद मुंह का एक तरफ ये साइड हो गया, तो ये उर्दू हो गया, उर्दू। और इधर अगर बंद मुंह का इधर से रहा तो ये हिंदी का अरेंजिंग हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीका से आप कर सकते हैं। यहीं पे अगर सीट का अरेंजिंग रहा तो सीट अरेंजिंग में इधर से हिंदी का हो गया, इधर से आपका उर्दू का हो गया। तो इस तरीका से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले लिए, अब यहाँ पे हम लोग ले लिए सीट और बेब दोनों 1/8 साइज का हो गया। अब इसमें देख लीजिए, अगर इसमें भी सेंटर स्टिच रहेगा तो बीच में डलाएगा, साइड रहेगा तो ये साइड में डलाएगा। उर्दू हो या हिंदी दोनों में उसी तरीका से सेंटर, बीच में, साइड, सेडल स्टिच वो साइड में, ओके। तो इस तरीका से जो कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एक में 16 का साइज है, तो एक में 16 का साइज का भी बुक आता है, तो उसको आपको यहाँ पे इस तरीका से मोड़ना है। मोड़ करके आपको यहाँ पे आपको जैसे डमी मोड़ लिए, तो डमी मोड़ने के बाद जो कि आपको यहाँ पे नंबर देखना पड़ेगा कि हाँ आपका नंबर किस हिसाब से दर्ज जाना है, यानी कितना पेज है उस हिसाब से आपको नंबर देना। ये हो गया 1/8 साइज। अब यहाँ पे जो कि जैसे यहाँ पे इसे रखते हैं एक में 16 का साइज, तो यहाँ से जो कि एक नंबर हो जाएगा अगर सीट रहेगा तो, अब एथी रहेगा तो इधर से हो जाएगा। तो ये यहाँ पर भी उसी तरीका से आपको मिलाना पड़ेगा। ये क्या है, तो ये सीट का हम आपको बता दिए हैं कि सीट इस तरीका से, जैसे कि पासबुक वगैरह इस तरीका से जो होता है ना, गैस का पास कुछ भी हो तो 16 पेजी में आप इस तरीका से कर सकते हैं। एक नंबर ये, दो नंबर ये हो जाएगा, ये पट्टी, तीन नंबर, चार नंबर, इस तरीका से जो कि आप इसको अरेंज कर सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। एक में 16 का साइज और ये हो गया एक में 4 का साइज, और ये हो गया आपका एक में 8 का साइज, ठीक है। 1/16, 1/4 और 1/8, तो इस तरीका से देख सकते हैं ये सब है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक नज़र इसको देख लीजिए। हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं इस तरीका से, ये 1/8 साइज, 1/4 और यहाँ 1/16 का साइज, ठीक है। सीट इधर से, बेब इधर से, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ, किस तरीके से जो कि डमी मोड़ा जाता है और किस तरीके से जो कि डमी मोड़ करके आप इसमें नंबरिंग दे सकते हैं और अपना काम में ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो छोड़ बिल्ला किया ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।